साहब, वेलकम टू माय चैनल अंजू जानू। तो आज का बिजनेस धमाकेदार बिजनेस है और सच में इस वीडियो में धमाका होने वाला है, क्योंकि बिजनेस ही कुछ ऐसा है और रॉ मटेरियल, सिर्फ 3 रॉ मटेरियल से ये प्रोडक्ट बनके तैयार हो जाता है। और अगर आप छोटी जगह पर हैं, छोटे गाँव में रह रहे हैं और सोच रहे हैं बाहर जाके बिजनेस करने की, तो बिल्कुल भूल जाइए, आप अपने घर में अपनी फैमिली के साथ रहिए, क्योंकि ये बिजनेस ही कुछ ऐसा है, बहुत कम लागत में शुरू होगा और छोटी सी जगह, यहाँ आपको दिख रहा है छोटा सा एरिया है, इस छोटी सी जगह से, ऐसी छोटी सी जगह से आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं और अपने ही गांव के 40 से 50 लोगों को रोजगार दे सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है, इसमें जो रॉ मटेरियल यूज होगा वो भी आपको आपके एरिया में ही मिल जाएगा और जो प्रोडक्ट बन के तैयार होता है उसकी मेकिंग कॉस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 9 रुपये पड़ती है और इसको आप 14 से 15 रुपए में सेल कर सकते हैं, यानी काफी अच्छा मुनाफा है। ऐसे मान लीजिए आप, मैं एक मोटा मोटा आपको मुनाफा मैं बता दे रही हूँ, 3 से 4 लाख रुपए आप महीने के आसानी से कमा सकते हैं। तो इस वीडियो में हम पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे, यहाँ पर सर है उनसे मिलेंगे कि किस तरह से इस बिजनेस को स्टार्ट करना है, डेमो वगैरह इवन सभी कुछ इस वीडियो में इंक्लूड किया है। तो वीडियो के बीच में स्केप बिल्कुल नहीं करना है, स्केप करोगे तो इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी और ये बिजनेस आज शुरू कीजिए, ऑलवेज चलेगा, कभी नहीं बंद होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके उसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, आप कमेंट करना भूल जाते हो, आप ये बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा है और इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन है लेनी है, तो उसके लिए हम कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहाँ से क्लिक करके आप कंपनी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो जान लेते हैं आज इस बिजनेस के बारे में। तो चलो फ्रेंड्स, देख लेते हैं पूरी प्रोसेस, यहाँ आपको पूरा प्लांट दिख रहा है यहाँ। तो फ्रेंड्स, हमारे साथ हैं नरेश सर। तो नरेश सर, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जी बहुत, तो मैडम आपका भी स्वागत है। थैंक यू सर। तो सर, आप बताएं इस प्लांट के बारे में कि इसमें क्या क्या रॉ मटेरियल बनने लगेगा और किस तरह से इस बिजनेस को स्टार्ट किया जा सकता है। देखिए मैम, आप जैसे कि आप देख रही हैं, ये हमारा एक रनिंग प्लांट आपको दिखा रहे हैं। ओके सर। जैसे कि इसमें जो आपकी कंक्रीट गिट्टियाँ देख रहे हैं आप, हाँ हाँ, और यहाँ पर ये स्टोन डस्ट पड़ा हुआ है, हाँ हाँ, और ये लेबर आपके सामने नज़र आ ही रही है। तो इसमें एक प्रॉपर रेशियो होता है, उसके तहत ये अपना जो भी मटेरियल उस मिक्सर में डालते हैं। तो इसमें रॉ मटेरियल में क्या क्या यूज किया जाता है? ये गिट्टी और ये स्टोन डस्ट, जी बस दो ही मटेरियल, सीमेंट। अच्छा, और सीमेंट, यानी 3 चीजों से ये बन के तैयार हो जाते हैं। तो सर, इसकी प्रोसेस दिखाइए किस तरह से ये बन रहा है। तो फ्रेंड्स, इसकी प्रोसेस देख लेते हैं। पहले एक टाइल के ऊपर टॉप लेयर लगाई जाती है, जो टॉप लेयर ये फर्मों में पहले डाला जाता है टॉप लेयर। इसके बाद इन फर्मों को इस तरह से आप देख रहे हैं ना, इस तरह से इनको रख दिया जाता है। फिर इनके अंदर दोबारा से जो कंक्रीट बन के तैयार हुआ है उसके सर दोबारा से डाला जाता है इसके अंदर। देखा था इसके अंदर ये टॉप लेयर लगाई है। यस सर। टॉप लेयर भी इसी टेबल से होके निकालते हैं पहले। अच्छा, पहले इसमें टॉप लेयर लगाई जाती है। जी जी। इसके बाद ये कंक्रीट डाली जाती है। यस सर। अच्छी फिनिशिंग आती है टाइल के अंदर। अगर हम डायरेक्ट कंक्रीट डालते हैं तो हाँ हाँ फिनिशिंग होती है। अच्छा, उससे फिनिशिंग अच्छी आ जाती है। और इसके ऊपर से भी टॉप लेयर लगाई जाएगी क्या? नहीं नहीं, अब इसके ऊपर कोई नहीं लगाई जाएगी। अच्छा, इसी वाइब्रेटर टेबल पे इसी पे सेट हो जाएगा। हाँ हाँ, एक ही टॉप लेयर लगती है, जैसे कि यस सर देख रहे हैं मोल्ड के अंदर। हाँ हाँ, ये सीमेंट की और डस्ट की जो टॉप लेयर लगी हुई है इसके अंदर। अब इसी फर्मे में आप देखेंगे, इसी फर्मे में कंक्रीट डालेंगे। पूरा वाइब्रेशन देने के बाद इस प्लेन फ्लाई के ऊपर रख दिया जाता है, जिससे ये फर्मे टेढ़े मेढ़े नहीं होते हैं। अच्छा, पूरा अच्छे से सेट हो जाता है। जी जी, अच्छे से सेट हो जाते हैं और ये नेक्स्ट मॉर्निंग दोबारा से यूज के लिए
खोल दिए जाते हैं। अच्छा, इसके बाद में इसको पैक भी किया जाता है इस तरह से, जैसे इसको ऊपर की लेयर और लगाई जा सके। इसके ऊपर एक और लेयर लगाएंगे हम, इसी वजह से ऊपर एक और प्लाई लगा करके लेयर बाई लेयर लगाते हैं, जैसे एरिया ज्यादा इस्तेमाल में नहीं आता, कम एरिया की वजह से हम एक के। तो इनको सर सूखने में कितना टाइम लगता है? ये 24 घंटे के अंदर सेट हो जाते हैं। हाँ हाँ। और इनको डीमोल्ड कर दिया जाता है फिर इस तरह से सूख। हाँ, ये जैसा कि आप देख रहे हैं। हाँ हाँ। वाला भी ये 24 घंटे में सेट होकर के दोबारा से खोल दिया गया है। सर उसके फर्मे बता दीजिए आप के कौन से फर्मे लगाए जाते हैं। देखिए जैसा कि ये देख रहे हैं आप। हाँ हाँ। ये डंबल है आई शेप। यस सर। और इधर देखो ये फर्मे भरे हुए रखे हुए हैं। अच्छा, ये वाले कौन से हैं सर? ये देखो ये इनका यूज किस में होता है? इतने छोटे छोटे से हैं। पड़ता है अपना। हाँ हाँ। लोहे की सरिया होती है उसके नीचे लगाते हैं गैपिंग के लिए। अच्छा, गैपिंग के लिए लगाया जाता है। ये भी आप देख रहे हैं ना, ये इस तरीके का, ये देखिए। अच्छा, ये इस टाइप के। हाँ, ये उसी के लिए बनाया जाता है। और ये इसके नीचे भरा हुआ है, ये कर्व स्टोन है। अच्छा, ये वाला ये कर्व स्टोन है। ये तो इसका मोल्ड है। तो इसका यूज किस में किया जाता है कर्व स्टोन का? मोल्ड के डिवाइडर होते हैं। हाँ हाँ। अच्छा, उसमें ये लगाए जाते हैं। और ये रेड कलर के जो फर्मे हैं वो देखो जेब्रा है। अच्छा, पेट्रोल पंप वगैरह। हाँ हाँ। अच्छा, वहाँ पे ज्यादा पार्क वगैरह में ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। सारे के सारे जितने भी प्लास्टिक के फर्मे वाले आइटम होते हैं इसी टेबल से निकाले जाते हैं। तो सर ये फर्मे, जैसे भाई व्यूअर्स को फर्मे कहाँ से मिलेंगे? हमारे पास सारी मैन्युफैक्चरिंग फर्मे भी हमारे। अच्छा अच्छा, फर्मे भी आपके पास मिल जाएंगे? जैसे भी जी, यहाँ जो सारे फर्मे हैं हर टाइप के फर्मे मिल जाएंगे। पिछली वीडियो में आपको मैंने इंजेक्शन मोल्डिंग आपको। हाँ सर। यस सर। इंजेक्शन मोल्डिंग पे सारे फर्मे बनते हैं। ओके। ये जैसे कि 24 घंटे में अभी। हाँ, आपने हाँ। अभी फर्मे खोल करके जो अपना जो पीस रखा हुआ है देखो, इनकी ये क्यूरिंग चल रही है। अच्छा, अभी क्यूरिंग हो रही है इनकी। हाँ जी, जैसे कि अभी आपने देखा था। यस सर। 60 mm का है। और अपना ये जेब्रा है 80 mm का है। इन सभी की क्यूरिंग चलती है। ये 8 दिन तक कंटिन्यू की क्यूरिंग चलती है। अच्छा, फिर ये पूरे तैयार हो जाते हैं, अच्छे से पक जाते हैं? 8 दिन क्यूरिंग के बाद सीमेंट होता है अपनी प्रॉपर स्ट्रेंथ में आ जाता है। फिर इसे 25 से 26 में जना मैक्सिमम अपनी स्ट्रेंथ लेता है और डिस्पैच कर सकते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये अपना डंबल है, ये 100 mm का है। यस सर। ये 100 का है। उधर उस साइड आपने अब देखा था, अभी 60 mm का डंबल था। और इधर देखिए ये कलर वाले टाइल रखे हुए हैं अपने। अच्छा, ये कलर वाले हैं इधर। हाँ, जेब्रा। ये इसको क्या बोलते हैं सर? जेब्रा जी। हाँ जी, जेब्रा बोलते हैं। जिग जैग जेब्रा। और ये येलो कलर के जो रखे हुए हैं इन्हें कॉस्मिक बोलते हैं। अच्छा, कॉस्मिक। ये भी ग्रैंड गार्डन में। अच्छा, गार्डन पार्क में, उसमें ज्यादा लग रहे हैं। और कुछ लोग अपने घर के सामने भी लगवा लेते हैं। यस सर। तो ये सर पर डे कितने बन के तैयार हो जाते हैं? मशीन का प्रोडक्शन कैसा है? मशीन मैडम आप इसमें लगभग 4000 पर डे निकाल सकते हैं। ये आपके फर्मों के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, फर्मों के। हाँ। तो सर इसकी मेकिंग कॉस्ट क्या जाएगी? एक पीस का आप जो 80 mm वाला है, 80 mm के हम लेके चलते हैं डंबल में, तो इसकी मेकिंग कॉस्ट मैक्स टू मैक्स हम लेके चलेंगे तो 8 रुपए के आसपास की आती है। और सर इसको सेल कितने में कर सकते हैं? सेल अपने थोड़ा बहुत एरिया के बाद होता है, नहीं लगभग ये 12 से 15 रुपए के अंडर में सेल हो जाती है। यानी 8 रुपए में बन के तैयार हो जाता है, 12 से 15 रुपए में बिक जाता है। तो कहाँ कहाँ सेल कर सकते हैं इसको? ये जैसे पेट्रोल पंप आपने देखे होंगे, कलर वाले जो हाई स्ट्रेंथ के होते हैं वो सारे उन पर लगते हैं। अब तो गांव में, पंचायतों में, गवर्नमेंट भी इसमें। हाँ हाँ। उसमें ज्यादा यूज हो रहा है इनका। जो भी गली मोहल्ले हैं उन सभी में यही टाइल को इस्तेमाल किया जा रहा है, गवर्नमेंट ने इन्हीं को अप्रूव किया है। तो सर जैसे आपने अभी इन टाइलों के बारे में बताया, तो सर एक टाइल और देखा है वो जो रैंप पे लगता है, तो वो भी इससे क्या बन सकता है? जी जी मैम, जितनी प्लास्टिक मोल्ड वाले फर्मे होते हैं सारे इसी टेबल से बनते हैं। मैं दिखा देता हूँ आपको, चेक करते हैं रैंप टाइल। अच्छा, यही वाले टाइल है वो क्या रैंप के? रैंप वाले टाइल ही होते हैं, जिसमें आप कलर भी बना सकते हैं और बिना कलर का भी बना सकते हैं। जैसे ये ग्रे हो गया आपका, ये रेड हो गया, इसमें येलो भी आता है।
तो इनको कहाँ कहाँ लगा सकते हैं रैम वाले टाइल को? रैम वाले टाइल इसमें जैसे अपनी फोर व्हीलर वगैरह होती हैं, हाँ हाँ, में घर में चढ़ाने के लिए जो रैम्प वाला होता है। अच्छा, रैम्प वगैरह पे ये लगाए जाते हैं? लगाए जाते हैं जी। इसमें भी टाइल भी ये डिजाइन इसमें बहुत सारे होते हैं। अच्छा, अलग अलग डिजाइन के बनते हैं, जैसा कस्टमर को पसंद होता है डिजाइन उसी हिसाब से बहुत सारे डिजाइन है अपने पास। तो एट द मोमेंट गाइज, आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और इस बिज़नेस की फुल इन्फॉर्मेशन भी मिल गई होगी कि किस तरह से ये पेपर ब्लॉक है उसको बनाया जाता है, और ये जो मशीन आपको दिख रही है इससे बहुत सारे तरह के ब्लॉक्स वगैरह हर टाइप के बनाए जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मेक इन इंडिया और हैव अ नाइस डे।